किया, ठीक है, डाउट्स पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, थर्ड एक बार फिर से देखो। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स छोटा n क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम, तो इसका मतलब छोटा n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का तो कुछ होता नहीं, एरिया का एल स्क्वायर होता है और टाइम का टी होता है, तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला बना, एल माइनस टू टी माइनस वन। इसमें एन वन एन टू आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये वन हो गया और वॉल्यूम का एल क्यूब हो गया, तो क्या बन गया, एल की पावर माइनस थ्री, ठीक है। एक्स वन एक्स टू इसमें एल हो गया, तो आपको इसमें क्या निकालना है, डी का फॉर्मूला निकालना है, तो डी एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो इसके अंदर एन हमने निकाल लिया, एक्स टू एक्स वन दोनों एल है और एल में से एल की टर्म माइनस करेंगे तो आंसर एल ही आएगा। नेक्स्ट है एन टू एन वन हमने निकाला हुआ, एल की पावर माइनस थ्री, सॉल्व करके आंसर आ गया, ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट, ठीक है, फिफ्थ हो गया, कोई डाउट इसमें। जो क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें तो सिर्फ वैल्यूज ही निकालनी है, कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट। देखो सेवंथ क्वेश्चन में ना एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत आसान है, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। ऑब्टेन बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस, तो कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, ओहो क्वेश्चन ने कहा विद दी मेथड ऑफ डायमेंशन, भाई ऑब्जेक्टिव है, इमोशनल नहीं होना, ए बी सी डी मार्क करना है, कहीं पता लगेगा आप शुरू हो जाओ कि मेथड ऑफ डायमेंशन क्या निकालना है, सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन मास, तो सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड कर रही है, मास रेज टू पावर ए, प्रेशर रेज टू पावर बी, आर रेज टू पावर सी, फिर लगे हुए हैं ए बी सी सॉल्व करने और एंड में घंटा हो गया, बाद में बोलेंगे सर टाइम नहीं मिला था, पेपर छूट गया, होता ही ऐसा है। उसने कहा इसमें कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है, हाफ। भाई जब कॉन्स्टेंट हाफ बोल रहा है तो उस केस में आपका आंसर ये तो हो नहीं सकता वन बाई थ्री, आपका आंसर ये तो हो नहीं सकता वन बाई थ्री, दो ऑप्शन सीधी इलिमिनेट होती हैं, कोई डाउट इसमें। अब क्या बचा आपके पास, ये ऑप्शन दिख रहा है वैसे तो हाफ आंसर आएगा, ठीक, अगर नन ना होता और यहाँ हाफ होता मैं क्वेश्चन भी ना पढ़ता, मैं सीधा यही मार्क कर देता हाफ, खत्म करने की जरूरत क्या है। अच्छा वैसे भी कॉमन सेंस क्या कह रही है, यहां भी पी और आर की पावर वन है, यहां भी पी और आर की पावर वन है, यहां भी पी और आर की पावर वन है, तो पक्की बात है पी और आर की पावर तो वन ही रहेगी, सॉल्व क्या करना उसे, पी आर बाई टू आंसर है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब भी काम करना है पहले ऑप्शंस को देखना ही देखना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, स्ट्रेटजी बनानी है कि मैं सीधे रास्ते से जाऊं या मैं कुछ ऑप्शन इलिमिनेट कर सकता हूं, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो जैसे एट्थ क्वेश्चन है, मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ना एट्थ क्वेश्चन, वो कह रहा है पता नहीं मेथड डायमेंशन ये इस पे डिपेंड करता है, करता है इस पे इस पे इस पे, करता होगा मेरे को क्या, कह रहे कौन सा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत क्या है, करेक्टनेस चेक करो ना, लेफ्ट में वेलोसिटी है एल टी माइनस वन, राइट में मास है जी में एल टी माइनस टू, ईटा और आर पुट करो सीधा करेक्ट आ गया रिलेशन, ऑप्शन ए बी सी डी चेक ही नहीं करना, डन क्लोज। मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, हाँ कोई अगर सीधा स्टार्ट हो जाए कि हमने इस पर डिपेंड करना है डिपेंड करना है डिपेंड करना है, भाई सब्जेक्टिव में करना है, स्कूल में करना है, अगर वो कहेगा सब्जेक्टिव तीन नंबर का क्वेश्चन है, जब ऑब्जेक्टिव आएगा जस्ट चेक दी करेक्टनेस, खत्म। समझ में आ रहा है यहाँ तक, आधा काम तो करेक्टनेस ही चेक कर से ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन में डाउट, नाइन्थ क्वेश्चन कितने लोगों ने ठीक किया, कौन से मेथड से किया, वन के टू, टू से किया एम वन एल वन टी वन, किसे वन से किया, कितने लोगों ने टू से किया एम वन एल वन टी वन। देखो टू मेथड इजी है मैं मानता हूँ, जरूरत क्या है, देखो वो मेथड तब जरूरत है जब स्कूल में बोला जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट करो इस क्वांटिटी को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया यानी कि प्रेशर को सीजीएस में कन्वर्ट करो, मेथड टू गलत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार, इतनी तो रफ वर्क के लिए जगह भी नहीं मिलेगी आपको करने के लिए जितना बड़ा वो क्वेश्चन है,
ये देखो 10 की पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन में कितने डाइंस हैं, 10 की पावर 5, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आंसर खत्म, डन, खत्म हो गया। अब आपको हो गया सर आपने तो सिखाया था, भाई वो सब्जेक्टिव स्कूल के लिए सिखाया था, ये तो नहीं कहा था कि मेथड भूल जाओ, तो कॉमन सेंस जिससे जल्दी आंसर आएगा, तो मेरे को ये लगा मैंने इससे कर दिया। फिर तुम किस्मत वाले, अगर आंसर याद हो टिक मार कर देना, ठीक, आंसर कहाँ से याद हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते, बनाने वाले तो मेरे भी गुरु हैं, उनको इतने पागल थोड़े हैं कि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन देंगे, कुछ चेंज करके ही देंगे, चिंता ना कर, तेरा दिमाग ना पूरा खोल लेंगे वहाँ पे एक घंटे के लिए पक्की बात है, वो ऐसे तेरे को जाने नहीं देंगे, तो बस ये देख ले कि तेरा टेबल पे दिमाग खुल जाएगा, उसके बाद तेरा पेपर क्लियर होगा, ऐसे चलते फिरते पेपर क्लियर नहीं हो सकता, पक्की बात है। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसी का नंबर ठीक लगेगा, जिसे नहीं कर रखी नहीं आएगा, खत्म, बिल्कुल सही सिस्टम है। टेंथ क्या सॉल्व करना, एक ही फॉर्मूला करेक्ट है, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट कितने लोगों ने किया ये, क्या किया, हाँ मैंने मना किया। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पहला वेलोसिटी c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एन, प्लैंक्स कांस्टेंट एच आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट्स। वैसे फंडामेंटल यूनिट्स पता है क्या होते हैं, एम एल टी, फंडामेंटल क्वांटिटी सात होती हैं, एम एल टी। ये कहता है जी हमारे देश में ऐसा चलता नहीं है, हमारे देश में चलता है सी जी एच, तो एम एल टी नहीं चलेगा, सी जी एच में आंसर देना। तो कह रहे मास का क्या फॉर्मूला बनेगा, पहला मेथड मास बनाना है ना इन टर्म्स ऑफ एच सी एंड जी, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट, तो मास डिपेंड्स अपॉन एच रेस टू पावर ए, सी रेस टू पावर बी, जी रेस टू पावर सी। यहां बनाओ मास का, पुट करो एच का, सी का, जी का, ए बी सी निकालो, आंसर मार्क कर दो। सबसे बेकार तरीका, सबसे लंबा तरीका, जिससे क्वेश्चन एक ही होगा, बाकी असाइनमेंट होनी नहीं है, क्योंकि इसी में उलझे रहोगे, सच्चाई है ये। हाँ सब्जेक्टिव आ जाए तो मजबूरी है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आ जाए तो पहले ऑप्शंस को ध्यान से देखो, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें एच सी जी की पावर यहां पे सेम नहीं है, तीनों में सेम नहीं है, तो यानी कि इन तीनों में से एक आंसर होगा ऑब्वियसली, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर मैं एल का आंसर देखूं, एल की ऑप्शन तीनों सेम, तो थैंक गॉड मुझे एल के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्या करूंगा सॉल्व करके, यही तो आंसर आएगा। फिर अगर मैं टी को देखूं, टी के अंदर भी एग्जैक्टली सेम है, सही है, तो ना टी सॉल्व करने, सिर्फ एक ही सॉल्व करना है एम, और पता है क्या करना है, करेक्टनेस शो कर दो, आप लेफ्ट हैंड साइड एम पुट करो, एच का, सी का, जी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, इसे सॉल्व करो पावर के साथ, अगर राइट हैंड साइड भी एम आ गया करेक्ट, और आएगा इसमें करेक्ट आंसर, तो ये तो डराने के लिए ज्यादा है और करने के लिए कुछ ही नहीं है इसमें, एक ही ऑप्शन चेक करना है ये वाला, बाकी करना ही नहीं है। पॉइंट समझ में आया कैसे करना है, वैसे ये आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया है बुक में नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आएगा कैसे, सिर्फ समझाने के लिए बनाया था कि इस टाइप से आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, सही, क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट पूछ लो, ये मत सोचो कि कोई पूछ नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट, 14 ना मैं बताना चाहता हूं फिर भी, नहीं भी है तो भी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मैंने पढ़ना ही नहीं क्योंकि पहले मैं ऑप्शन देखूंगा। पहला ऑप्शन है, उसने कहा कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन है यूनिट बी ऑप्शन, यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, एक्स लेंथ होती है, लैम्डा भी लेंथ होता है, हाँ करेक्ट है ये आंसर। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं क्या है, तो एक ऑप्शन तो मुझे पता लग गया कि ये डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। अच्छा इधर देखें, यूनिट ऑफ सी टी, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि एल टी माइनस वन इन टू टी, तो ये एल हो गया, और लैम्डा भी क्या होता है एल हो गया, बराबर है इनके यूनिट्स भी। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो सीधा ही ऑप्शन से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ टू पाई सी बाय लैम्डा टी एंड टू पाई सी बाय लैम्डा, क्या ये सेम है, मैं चेक करूं कि दिख रहा है कि सेम नहीं है, क्या ये सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसमें एक्स्ट्रा क्या आया हुआ है टी, इसमें है नहीं,
तो सॉल्व करके क्या करना भाई, सेम ही नहीं है उससे, ये खत्म कहानी। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ सी बाय लैम्डा इज दैट ऑफ एक्स बाय लैम्डा। एक्स एल होता है, लैम्डा एल होता है, लेकिन सी एल थोड़ी ना होता है, तो ये भी सेम नहीं होने वाले। तो उसने पूछा कौन से सेम नहीं होने वाले, ऑप्शन नंबर डी एंड सी इज द आंसर। दो आंसर हैं इसके, सी एंड डी, एक नहीं है। तो ये पॉइंट समझ में आया, मैंने तो पेन को हाथ भी नहीं लगाया और तुम खाम खाई कई लोग वो एंगल है वन, एंगल है वन, मैंने भी किया ऐसे, जरूरत क्या है, ऑप्शन तो देख लो जरा ऑप्शन में क्या चल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, आधे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से ठीक हो जाने वाले हैं। पूरे पेपर में अगर पांच क्वेश्चन भी कॉमन सेंस से ठीक हो गए, पांच की वैल्यू बहुत होती है, आपको उस दिन पता लगेगा जब स्कोर सामने रिजल्ट आएगा। पांच में तो इतना हो जाता है कि यूआईटी मिलेगी या पैक की कंप्यूटर साइंस मिलेगी, मतलब 99% के ऊपर जाओगे या 92% पे जाके गिरोगे, इतने को जाते हैं कभी कभी पांच क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है, तो ध्यान से करना है। तभी कहते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी कभी ऑब्जेक्टिव में, तो अभी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट नहीं हुई आपकी, लेकिन जब स्टार्ट होगी तो आपको आइडिया होगा कि मुझे करना ही नहीं, नहीं आता छोड़ देना है, कोई टेंशन नहीं, जो करना है वो बिल्कुल ठीक करना है, चाहे 25 में से सिर्फ 10 ही करने हैं लेकिन ठीक करने हैं, कोई नहीं रोक पाएगा आपकी सिलेक्शन, पक्की बात। डाउट सही, डाउट ये तो मैं करना चाहूंगा अभी। क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन है, ये लिख दी इक्वेशन, इस इक्वेशन में वो कह रहा है कि ए के डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। वैसे तो एक बड़ा सिंपल तरीका है, ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है, तो अगर ये प्रेशर है तो ये पूरा भी प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला फॉलो करेगा, पर मैंने और आसान तरीका किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया, ओपन कर दिया। जब मैंने इसे ओपन किया तो प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई, तो अगर ये टर्म ML to T minus 2 है तो ये भी ML to T minus 2 है, सेम सेम और सेम, सारे सेम हो गए, कोई डाउट इसमें? डायमेंशंस की क्लास चल रही है, ठीक है, इज एक्सप्लेनिंग द टेस्ट पेपर आई बिलीव। ठीक है यहां तक, तो मैंने क्या किया, इसे ओपन कर लिया, ओपन करके डायमेंशन फॉर्मूला एक का निकाला, सबका सेम हो गया। अब A अपॉन V का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, ML to T minus 2, यही बना। तो आपने ए का निकालना है, वॉल्यूम को राइट साइड पे ले जाओ, एल क्यूब आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, खत्म, एक आंसर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ बी आर। अब एक बात बताओ कि अगर इसे फिर से देखें, ए इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, ए का तो निकाल ही चुके हैं, तो ए इंटू बी, ये ना ए का निकाल चुके हैं तो इसको डिवाइड करके किसका आ जाएगा, बी का जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, पहले ए का आया फिर बी का आ गया, ठीक है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है, इन क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर टी। तो अगर ये इक्वेशन मैंने ओपन की थी तो आर टी पीवी के इक्वल भी है, आर टी पीवी के इक्वल भी है, आर टी ए अपॉन वी के इक्वल है, ए अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। आंसर सही, ओपन करके इजी हो गया करना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में ए बी बाई आर टी क्या है। अब आपको यह पता है कि आर टी और ए बी का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, तो इनकी रेशियो क्या आएगी, वन, कुछ करना ही नहीं है, आंसर सेम है। समझ में आ रहा है यहां तक? और लास्ट, इस क्वेश्चन में आर टी का डायमेंशन फॉर्मूला किससे मैच करता है, RT या PV का क्या था, ML to T minus 2, जो किसके साथ मैच करता है, एनर्जी। आंसर